હવે જે સમાચારો વિસ્તારથી સેલવાસ ખાતે દાદરા નગર હવેલી પોલીસ દ્વારા 69 માં મુક્તિ દિન અને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત તિરંગા યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી। દાદરા નગર હવેલી પોલીસ દ્વારા આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ સંદર્ભે અને દાનવમાં 69 માં મુક્તિ દિવસ નિમિત્તે ઘર ઘર તિરંગા અભિયાન અંતર્ગત પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતેથી તિરંગા બાઇક રેલી કાઢવામાં આવી હતી, જેને કલેક્ટર ભાનુ પ્રભા અને એસપી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મીનાના હસ્તે લીલી ઝંડી બતાવી રવાના કરવામાં આવી હતી। આ બાઇક રેલી આખા સેલવાસ શહેરમાં ફરી હતી અને ત્યારબાદ ગામડાઓમાં પણ ત્રિરંગા ઝંડા પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે ફરી હતી। આ રેલીમાં પીઆઈ પીએસઆઈ સહિત પોલીસનો સ્ટાફ જોડાયો હતો। ये जन जागरूकता के लिए ये बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि 13 से 15 हर घर की भावना को उजागर करे तो समाहर्ता महोदय जी ने अपने कर्तव्य में से विधिवत रूप से राजायन नगर हवेली दमन एवं दीव पुलिस विभाग द्वारा आयोजित जैसा कि पुलिस अधीक्षक साहब ने बताया कि जब हर घर तिरंगा कार्यक्रमों की लिस्ट एक बनाई जा रही थी तो हम सोच रहे थे कि ऐसे क्या क्या फंक्शंस करे जा सकते हैं जिसमें हमारी दादर नगर हवेली की जनता भी हमारे साथ जुड़े। और जैसा कि एसपी सर ने बताया कि ये मैसेज पहुंचे हर नागरिक तक कि जो हमारा ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, ये केवल औपचारिक और ऑफिशियल कामों में ही फहराया जाता है। साल के कुछ 3-4 दिन होते हैं जब हम सब लोग इनको फहराते हैं, मगर अब हमें इसको हर रोज और हर घर पर फहराना होगा। तो उन सब सूची जब बन रही थी तो एक आइडिया हमारी टीम से यह भी आया कि क्यों ना एक बाइक रैली करी जाए जिससे हम हर गांव तक पहुँचे और वहाँ तक ये मैसेज लेकर जाएं कि अब ये झंडा केवल ऑफिसेज में नहीं, केवल ऑफिशियल कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि हर घर में फहराया जाएगा, हर नागरिक इसको फहराएगा और पूरे सम्मान के साथ। केवल 1 या 2 दिन तक हम ये औपचारिकता नहीं रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लंबे से लंबे समय तक, मतलब जैसा कि हम सबका आइडिया है कि सालों तक हमारे घरों के आगे झंडा रहे, मगर पूरे सम्मान के साथ करना है।